दिस मोहित शर्मा, कैसे हैं सब लोग? बेटर ओके। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर के अंदर। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने हमारे अपकमिंग जून 2020 के अंदर जो हमारा एनटी नेट का एग्जाम होना है उसके लिए ऑनलाइन बैच हमने शुरू कर दिया है, जिसका रजिस्ट्रेशन जो है वो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारा बैच लेने के लिए तो आप एनरोल करवा सकते हैं। ओके जी सर, उसका पूरा डिटेल का मैंने एक वीडियो बना रखा है तो उसमें से आप देख लीजिएगा। बाकी जब अपना ये लेक्चर एंड होगा तो उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूंगा। अच्छा, जो हमने बैच शुरू किया तो उसके अंदर हम लोगों ने अभी जो है वो लेक्चर नंबर 1 हमने कल बोले तो 16 तारीख को हम लोगों ने किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने बैंकिंग जो हमारा यूनिट नंबर 7 है पेपर 2 का उसका हमने उठाया था। ठीक है, बैंकिंग का, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जिसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो जल्दी से आइए 2 मिनट के अंदर क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने जो पढ़ा था। हमने पढ़ा था सर उसके अंदर ये कि बैंकों का स्ट्रक्चर, अपने इंडिया के अंदर बैंकों का स्ट्रक्चर बेसिकली 2 तरीके से, एक है कौन सा अपना सेंट्रल बैंक और एक है कौन से अपने कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल बैंक तो अपना एक ही है, ठीक है, जिसका मेन पर्पस जो है वो है क्या, कंट्री के अंदर मनी सप्लाई को क्या करना, कंट्रोल करने का। अच्छा जी, दूसरा जो स्ट्रक्चर बना वो है कौन सा, कमर्शियल बैंक का। कमर्शियल बैंक जो है वो बेसिकली क्या है, अगर मैं बात करूंगा कमर्शियल बैंक के बारे में तो कमर्शियल बैंक का मेन काम जो होता है वो होता है क्या, मनी सप्लाई को क्या करना, क्रिएट करना, मनी की सप्लाई को क्या करना, क्रिएट करना। तो दो तरह के बैंक हो गए, एक है सेंट्रल और एक हो गया कौन सा आपका, कमर्शियल बैंक। यहां तक ओके जी सर। सेंट्रल बैंक को गवर्न करने के लिए हम लोगों ने आरबीआई का एक्ट बना रखा है, आरबीआई एक्ट 1934, और कमर्शियल बैंक को गवर्न करने के लिए हम लोगों ने एक एक्ट बना रखा है जिसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कल हमने पढ़ा था तरीके से। अच्छा, अर्लियर क्या था अगर हम बात करते हैं तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है उसका पहले का जो नाम था वो था बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949, लेकिन बाद में 65 के अंदर एक अमेंडिंग एक्ट पास किया गया और फिर उसके बाद में क्या किया गया है, जो हमारा बैंकिंग कंपनी एक्ट था उसके नाम को रीनेम कर दिया और रीनेम करके उसका नाम हमने क्या रख दिया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। यहां तक ओके जी सर। अच्छा, अपने इंडिया के अंदर एक्ट कैसे बनते, तो वो मैंने आपको बताया था कि इंडिया में एक्ट बनाने के लिए हम 3P का सहारा लेते हैं। पहला जो पी होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पहला पी बोलो, प्रिपरेशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं ड्राफ्ट पेपर बनाते हैं। देन उसके बाद में गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, उस बिल को पेश करती है पार्लियामेंट में। सेकंड पी इज प्रेजेंटेशन का, पार्लियामेंट में पेश किया, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस है लोकसभा राज्यसभा, पहले बिल लोकसभा से पास होगा, देन जाएगा राज्यसभा, फिर राज्यसभा से पास होगा, देन तीसरा है क्या, पासिंग का। तो अब जब राज्यसभा से बिल पास हो गया तो फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास में, जिस दिन प्रेसिडेंट जिसके ऊपर क्या कर देंगे, साइन कर देंगे, उस दिन वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। लेकिन वो एक्ट तब तक पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक हम उसको हमारे ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफाई ना कर दें। तो वो जो आपने एक्ट बना दिया उस एक्ट को ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करना पड़ेगा। सर, ये ऑफिशियल गैजेट क्या है, ऑफिशियल गैजेट अभी बताते हैं। अगर मान लो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अगर हमारी गवर्नमेंट ने, देश की गवर्नमेंट ने अगर कभी भी अपनी कोई भी बात जो है वो अपने जनता तक पहुंचानी है, तो अगर गवर्नमेंट उस बात को ऑफिशियल गैजेट में लिख दे तो माना जाता है कि गवर्नमेंट ने अपनी बात जनता तक कम्युनिकेट कर दी है। कभी भी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आपके घर पे जो है मैसेज भेजेगी, आपके घर पे व्हाट्सएप करेगी या आपके घर पे आएगी, मोदी जी आएंगे और बताएंगे कि हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने अगर कोई बात जनता को बतानी है तो मोदी जी क्या करेंगे, उस बात को जो है ऑफिशियल गैजेट में लिख देंगे तो मान लिया जाएगा कि वो बात जो है वो जनता तक कम्युनिकेट हो गई है। ओके जी, ये हमने पढ़ा था। तो सर, आज क्या पढ़ने वाले, आज हम बैंकिंग का डेफिनेशन पढ़ेंगे? नहीं, आज हम बैंकिंग का डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, आज हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर बैंकों का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो इंडिया में बैंकिंग स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो है किसके ऊपर, इवोल्यूशन के ऊपर, कि इंडिया में बैंकों का इवोल्यूशन कैसे हुआ। और दूसरा हमने जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है रोल ऑफ बैंक इन द इंडियन इकॉनमी, कि अपनी जो इंडियन इकॉनमी है उसके अंदर बैंकों का रोल क्या है। ओके जी सर, तो आइएगा शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है, रोल ऑफ बैंक इन द इंडियन इकॉनमी, हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हमको क्या पढ़ना है। पहले बता दूं आपको, इंडिया में बैंकिंग की शुरुआत 1770 से हुई है, 1770। तो अपने को 1770 से लेकर के 2019 तक की कहानी पढ़नी है, 1770 से लेकर के 2019 तक की कहानी अपने को पढ़नी है, जिसको जो अपना ये रोल ऑफ बैंक के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा जी सर, अब इसमें करना क्या है सर, कैसे पढ़ेंगे सर, ये तो बहुत सारा हो जाएगा, टेन्योर तो बहुत लंबा हो गया। जी, ये जो बहुत लंबा टेन्योर है, इस टेन्योर को मैंने 3 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, आइए मैं दिखाता हूं। हम बोलते हैं उसका 3 फेजेस, दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, जिसको हमने डिवाइड किया, बाइफरकेट किया, कितने फेज में, 3 फेज में। पहला जो फेज है वो कब से स्टार्ट हुआ, 1770 से लेकर के 1969 तक। दूसरा जो फेज है 1969 से लेकर के 1991 तक। और तीसरा जो फेज है 1991 से लेकर के एट
प्रेजेंट तक। तो बेसिकली जो है हमने अपने इंडिया के अंदर जो बैंकिंग है उस बैंकिंग को तीन फेजेस के अंदर क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। पहला फेज 1770 से लेकर के 1969 तक का, दूसरा फेज 1969 से लेकर के 1991 तक का, और तीसरा फेज 1991 से लेकर के एट प्रेजेंट तक का। ओके सर, पहला जो फेज है उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन फेज या इंट्रोडक्शन स्टेज बोल दो, ठीक है, जो इस पीरियड के अंदर जो है अपने कंट्री के अंदर नए नए बैंक जो है वो क्या हुए, डेवलप है। दूसरा जो स्टेज है उसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन। सर ये होता क्या है, बताएंगे, सब्र रखें, बताएंगे नेशनलाइजेशन। बस अभी ये ध्यान रखें कि 1969 से लेकर के 1991 तक जो स्टेज चला उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेशनलाइजेशन। और 1991 के अंदर क्या किया गया, रिफॉर्म किया गया। शायद आपको मालूम होगा अपने इंडियन इकोनॉमी में जो है बैंकिंग सेक्टर के अंदर दो बार रिफॉर्म हुआ, एक बार हुआ 1991 में, एक बार हुआ 1998 में। जब हम बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे तसल्ली से पढ़ेंगे उसको। तो इस स्टेज को बोलते हैं हम लोग क्या, रिफॉर्मिंग स्टेज। क्या बोलते हैं, रिफॉर्मिंग। एक एक करके पढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा। ओके जी सर, तो सर शुरुआत कहां से करनी है, सर शुरुआत हम लोग करने वाले हमारे कहां से, इंट्रोडक्शन स्टेज से। कहां से, इंट्रोडक्शन। आइएगा शुरुआत करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज बेसिकली क्या बोलते हैं, तो पहली बात तो ये हो गया जर्नी ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। अगर हम बात करेंगे हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम की जर्नी का, तो उसको हमने सेग्रीगेट किया हुआ है, बोले तो बाइफरकेट किया हुआ है, कितने, तीन डिस्टिंक्ट फेज में। दीज आर एस मेंशन बिलो। ये कौन कौन से है, पहला फेज नंबर वन जिसको बोलते हैं अर्लियर फेज फ्रॉम 1770 से लेकर के 1969 तक का, दूसरा 1969 से लेकर के 1991 इसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ द इंडियन बैंक एंड अप टू 1991 तक का, और तीसरा कौन सा है, न्यू फेज। न्यू फेज को बोलते हैं हम लोग क्या, रिफॉर्मिंग फेज, जिसमें क्या हुआ, एडवेंट हुआ। एडवेंट का मतलब नई नई चीजें निकल के आई, में इंडियन फाइनेंशियल एंड द बैंकिंग सेक्टर के अंदर, जिसको बोलते हैं रिफॉर्म, ठीक है, जो सुधार हुए थे, ठीक है। तो ओवरऑल मिलाकर के पहले से 1770 से 1969, दूसरी 1969 से लेकर के 1991, और तीसरी 1991 से लेकर के एट प्रेजेंट। बात समझ में आ रही है क्या जी सर? तो आइएगा फेज वन जो है हम शुरुआत करते हैं। फेज वन की अगर हम शुरुआत करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले अपने इंडिया के अंदर पहला जो बैंक खुला, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये अपने भारत का सबसे पहला बैंक था जो 1770 के दौरान जो है वो क्या हुआ था, खुला था। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान पहला 1770 में। नेक्स्ट केम उसके बाद में कौन सा है, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। अब ना थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, ये पेपर के अंदर अपना क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार। पहला जो बैंक था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1770 में खुला था और 1829 से 32 के पीरियड में क्या हो गया, लिक्विडेट हो गया, फेल हो गया था। क्या हो गया था, लिक्विडेट हो गया। लिक्विडेट का मतलब फेल हो गया, मतलब बैंक तो बनाया था लेकिन बैंक क्या हो गया, दिवालिया हो गया था। तो पहला बैंक 1770 में, बैंक का नाम क्या था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब बना, 1770 में, और लिक्विडेट हो गया कब, 1829 से लेकर 32 के पीरियड में। दूसरा जो बैंक खुला अपने इंडिया के अंदर वो था कौन सा, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1786 के अंदर खुला था और 1791 के अंदर जो है वो क्या हो गया था, फेल हो गया था। ओके जी सर, इसके बाद में अपने इंडिया के अंदर देखो, अपने इंडिया के अंदर जो आपने सुना होगा, जब अंग्रेज आए, जो ब्रिटिश जब अपने इंडिया के अंदर आए, तो वो कैसे आए थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी करके जो है एक कंपनी थी, वो अपने इंडिया के अंदर आई, उसने अपने यहाँ पे मसालों का धंधा करना शुरू किया। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन काम ही स्पाइसेस के अंदर था, तो वो बेसिकली क्या करते हैं कि जो मसाले होते हैं तो उसका धंधा करते थे। तो वो लोगों ने आके इंडिया में काम करना शुरू किया। जब इंडिया में, अब आपको मालूम ही है कि देखो उस टाइम पे जो है मोटर व्हीकल इतने नहीं थे, मोटर व्हीकल थे ही नहीं उस टाइम पे, चलता क्या था, घोड़ा गाड़ी चलती थी, या फिर क्या, समुद्र के जरिए सामान एक जगह से दूसरी जगह पे आता था। तो जहां पे सामान उतरता था, मतलब जिस स्टेज पे, जिस वे जो अपना आप ये कह सकते, जिस बंदरगाह पे अपना सामान आता था, जिस पोर्ट पे सामान आता था, वहीं पे सबसे ज्यादा धंधा होता था, वहीं पे सबसे ज्यादा बिजनेस होता था, ठीक है। तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने तीन जगह पे, जहां पे बिजनेस सबसे ज्यादा होता था, वहां पे तीन प्रेसिडेंसी बैंक खोल दिए। तीन बैंक खोले, क्या खोले, तीन बैंक। उन तीन बैंकों का नाम क्या था, एक था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल जो 1806 में खोला गया। अर्लियर इसका नाम था बैंक ऑफ कैलकटा, लेकिन बाद में इसका नाम क्या रखा, बैंक ऑफ बंगाल। एक खोला गया 1840 में, उसका नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे, और एक था 1843 में, उसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। ये तीन अलग अलग बैंक खोले गए थे, ठीक है, अपने इंडिया के अंदर। और ये तीन बैंकों को बोलते हैं हम लोग प्रेसिडेंसी बैंक। क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल एरिया में खोले गए थे। सर ये प्रेसिडेंशियल एरिया कौन सा होता है, प्रेसिडेंशियल एरिया एक ऐसा एरिया मान लेके चलिएगा आप, जहां पे सबसे ज्यादा बिजनेस हो रहा था, जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा था। क्योंकि देखिएगा, सामान जब मान लीजिए समुद्र के जरिए, अगर मान लो इंडिया में सामान आया,
ठीक है। जैसे सामान पहुंचेगा यहाँ पे तो उसको आगे लेके जाना एक तो, और एक वहीं पे वो बेसिकली सेल शुरू हो जाता था। तो जब जहां पे सामान ज्यादा बिक रहा है, जहां पे ट्रेड ज्यादा हो रहा है, तो नेचुरल बात है बैंकिंग स्ट्रक्चर की वहां पे यूज थोड़ा ज्यादा होता था। तो बेसिकली ये तीन एरिया थे जिनको बोलते प्रेसिडेंशियल एरिया, और इन्हीं एरिया में तीन बैंक खोले गए जिनका नाम हमने क्या रख दिया, प्रेसिडेंसी बैंक। इंडिपेंडेंट यूनिट थी एंड इट इज नोन एज अ प्रेसिडेंसी बैंक्स। इन तीनों को क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंसी बैंक। ये जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स थे इनको हमने 1921 के अंदर क्या कर दिया, अमलगमेट कर दिया। बैंक ऑफ बंगाल को, बैंक ऑफ बॉम्बे को, बैंक ऑफ मद्रास को, इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को हमने क्या कर दिया, अमलगमेट कर दिया। और अमलगमेट करने के बाद में 1921 के अंदर जब हमने इसको अमलगमेट किया, तो अमलगमेट करने के बाद में उसका हमने नाम रखा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम रखा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो अपने इंडिया के अंदर तीन प्रेसिडेंसी बैंक थे, उन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया 1921 में, और नाम क्या रखा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हमने बनाया, इसी को बोलते हैं हम लोग SBI। अरे सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यही है, सबसे ओल्डेस्ट बैंक बोलते हैं ना उसको हम लोग। तो वो बेसिकली क्या है कि वो बना कैसे था, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई, तो मैंने आगे लिखा हुआ है, आइए मैं दिखाता हूं एक बार आपको। ये देखो, शुरू में क्या था, तीन हमारे प्रेसिडेंसी बैंक थे, एक था कौन सा, बैंक ऑफ बंगाल, एक था कौन सा, बैंक ऑफ बॉम्बे, और एक था कौन सा, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को हम लोगों ने क्या कर दिया जी, मर्ज कर दिया। क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। ये तीन प्रेसिडेंसी बैंक थे, इनको हमने मर्ज कर दिया। कब, 1921 में। और 1921 में, अच्छा घबराने की बात नहीं, ये अब लिखना मत, ये सारा का सारा जो है जो आपको बुक्स में प्रोवाइड करवाऊंगा उस बुक्स के अंदर हमने दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इनको मर्ज किया, मर्ज करने के बाद में हमने क्या कर दिया, 1921 में इसको जब मर्ज किया, तो मर्ज करने के बाद इसका हमने नाम क्या रख दिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम रखा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम बोलते हैं क्वासी सेंट्रल बैंक। एक वर्ड होता है क्या, क्वासी। क्वासी का मतलब जो एक्चुअल है नहीं, बट वो एक्चुअल जैसा बिहेव करता है। इसका मतलब जैसे मान लो मैं ऐसे बोल दूं, क्वासी ब्रदर। क्वासी ब्रदर का मतलब क्या हो गया, जो एक्चुअल में भाई नहीं है बट भाई जैसा बिहेव करता है। कई बार ऐसा होता है, आपने कई एक वर्ड सुना होगा, क्वासी जुडिशरी या क्वासी जुडिशियल। क्वासी जुडिशियल का मतलब क्या, जो जुडिशियरी नहीं है, बोले तो जो कानून, जो कोर्ट नहीं है बट उसके पास कोर्ट वाली सारी पावर होती है, उसको बोलते हैं क्वासी। तो जब ये 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, तो उस टाइम पे अपना जो RBI है वो नहीं था, क्योंकि अपना सेंट्रल बैंक जो है वो खुला है 1935 के अंदर। उससे पहले बैंकों को कौन मैनेज करेगा, तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, 1921 के अंदर जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया, तो फिर इसी को बोल दिया कि हम एक काम करते हैं, आपको बनाते हैं क्वासी सेंट्रल बैंक। आप हो तो कमर्शियल बैंक, आप हो तो कमर्शियल बैंक, बट हम आपको जो है कुछ सेंट्रल बैंक वाली पावर प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग क्या, क्वासी सेंट्रल बैंक। क्या बोलते हैं, क्वासी सेंट्रल बैंक। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था, इसको हमने बोल दिया क्या, क्वासी सेंट्रल बैंक, ठीक है। और फिर इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 के अंदर जो है रीनेम करके और क्या कर दिया, SBI। क्या बना दिया, SBI बना दिया। बात समझ में आ रही है क्या जी सर। SBI जब बनाया, तो 1960 के अंदर SBI की कुछ कहानी हम और देख लेते हैं। 1960 के अंदर क्या किया गया, SBI के साथ में उसके साथ एसोसिएट और बनाई गई, साथ एसोसिएट और बनाई गई। बनाने के बाद में जो है फिर क्या हुआ, दो उसकी एसोसिएट, एक तो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 2008 में और एक स्टेट बैंक ऑफ इंदौर 2010 में, इनको SBI के साथ में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो कहानी पहले क्या बोलती है, 1955 के अंदर SBI बना, 1960 के अंदर SBI के साथ क्या बना दी, सब्सिडियरी बना दी, एसोसिएट बना दी। उन सात एसोसिएट में से दो एसोसिएट, एक स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 2008 में और एक स्टेट बैंक ऑफ इंदौर 2010 में, उनको मर्ज कर दिया किसके अंदर, SBI में। बात समझ में आ रही है जी सर। इसके बाद में बचे कितनी, अब पांच। उन पांच का क्या किया, 1/4/2017 को, 1/4/2017 को SBI के अंदर उसकी पांच एसोसिएट को और साथ में एक बैंक 2013 के अंदर बनाया था, उसका नाम था भारतीय महिला बैंक, इसको भी इसके अंदर क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो पहले SBI की सात एसोसिएट थी, फिर दो को मर्ज किया, तो 2017 तक कितनी रह गई थी, पांच रह गई थी। और 2017 के अंदर जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, SBI में उसकी पांचों एसोसिएट को और साथ में किसको, BMB, बोले तो भारतीय महिला बैंक को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। और मर्ज करने के बाद में आज की डेट में एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन, एज पर मार्केट कैप, बिगेस्ट बैंक जो है ना अपने इंडिया का, वो कौन है, बिगेस्ट बैंक वो है SBI। अपने इंडिया का सबसे बड़ा जो बैंक है वो कौन सा है, SBI।
बात समझ में आ रही है क्या? जी सर, ये है अपने प्रेसिडेंसी बैंक की कहानी। लिंकेज में था तो मैंने बता दिया, अभी हम तो 1770 वाली कोई कहानी पढ़ रहे हैं, तो सर ये 2017 पे कहां पे पहुंच गए? भाई साहब, मैंने आपको शुरू में फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक बात बोला कि हम लिंकेज में पढ़ाई करेंगे, जितना लिंकेज में पढ़ेंगे तो याद भी रहेगी बात अपने को, ठीक है ना। चलो आओ एक बार दोबारा से देखें। हाँ जी सर, देखो कितने बैंक थे जी, प्रेसिडेंसी कितने थे? तीन। एक था कौन सा? बैंक ऑफ बंगाल, एक था बैंक ऑफ बॉम्बे और एक बैंक ऑफ मद्रास। ये तीन थे क्या? प्रेसिडेंसी बैंक। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को क्या किया गया? मर्ज किया गया। कब? 1921 में करके, और उसका नाम क्या रख दिया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। मतलब तीनों बैंक के बोर्ड के बाहर से उनका बोर्ड हटा दिया, उसकी जगह पे कौन सा बोर्ड चिपका दिया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया तो उसको हमने किस नाम का दर्जा दिया? क्वासी सेंट्रल बैंक। क्वासी सेंट्रल बैंक का मतलब जो सेंट्रल बैंक नहीं है बट सेंट्रल बैंक वाली सारी भूमिका निभाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? क्वासी सेंट्रल बैंक। ओके जी सर। फिर 1955 के अंदर ये जो हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, तो गवर्नमेंट ने इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को क्या किया? क्योंकि अब 1947 में कंट्री इंडिपेंडेंट हो गया, तो बाद में गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अब हम सारा हिंदू, मतलब जो इंडियन करेंगे, हर चीज को इंडियन करेंगे, अंग्रेजों का नामो निशान खत्म करेंगे। तो जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था वो तो अंग्रेजों के नाम पे था, तो बाद में गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया? इंडियन नाम इसका निकाला, उसका नाम क्या रख दिया? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1955 के अंदर बनाया, और फिर 1960 में उसके साथ एसोसिएट्स जो थी, साथ जो उसके सब्सिडियरी थी, इनको क्या कर दिया? नेशनलाइज कर दिया। ठीक है जी, कर दिया। इसके बाद में फिर क्या किया गया? 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, इन दोनों को SBI में क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। करने के बाद रहेगी कितनी? 5 रहेगी। फिर 1/4/2017 को इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? SBI के अंदर उसकी 5 एसोसिएट को अलोंग विद किसके साथ में? BMB भारतीय महिला बैंक को, महिला बैंक के साथ में उनको क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। और आफ्टर मर्जर क्या हुआ? आज की डेट में भी, आज 17 दिसंबर 2019 को भी, अपने इंडिया का अगर हम लार्जेस्ट बैंक देखते हैं तो वो कौन है जी आपका? कौन है? SBI। कौन है? SBI। अब देखो, पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक SBI, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक कौन सा? HDFC। कौन है? HDFC। लेकिन अगर बात करेंगे ओवरऑल प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलाकर के सबसे बड़ा बैंक कौन सा, तो वो कौन सा आपका? SBI। ओके जी सर। अच्छा जी सर, फर्स्ट फेज में और क्या क्या हुआ? फर्स्ट फेज में फिर क्या हुआ? 1865 के अंदर अलाहाबाद बैंक खुला, ठीक है, ये एक्सक्लूसिवली खोला किसने? इंडियंस ने खोला था। फिर उसके बाद 1894 के अंदर लाहौर के अंदर जो है एक बैंक खुला, उसका नाम क्या था? PNB, पंजाब नेशनल बैंक खुला। फिर 1906 से लेकर 1913 तक बहुत सारे बैंक और भी खुले, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनेडा, इंडियन बैंक एंड द बैंक ऑफ मैसूर वर सेटअप। फिर क्या हुआ? फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया कब? 1935। कब आया था? 1/4/1935 को क्या बना? RBI बना। ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज, शुरुआती दौर में, अब ना जब ये बैंकों का जब ये शुरुआत हुआ तो उस टाइम पे सारे बैंक जनरली क्या थे? प्राइवेट। क्या थे जी? प्राइवेट। अब लोग घबराते हैं भाई, बैंकों के अंदर मान लो हम बहुत मुश्किल से, तो मान लो हम पैसा कमाएं और फिर उस पैसे को अगर बैंकों के अंदर डाल दें और कल को अगर वो बैंक क्या हो जाए? डिसोल्व हो जाए, हमारा तो पैसा डूब गया, जनता तो बर्बाद हो जाएगी। तो जनता जो है वो बैंकों में नहीं जाती थी, लोग बैंकों में जाते ही नहीं थे, लोग बोले छोड़ छोड़ हम तो बैंकों में नहीं डलवाएंगे पैसा। लोग अपना मेजोरिटी पैसा सेविंग के तौर पे जमा करवाते थे, मालूम कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस में। कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस, क्योंकि वो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन था। मेजोरिटी जितने भी बैंक थे वो सारे के सारे कौन से थे? अपने जो बैंकों की अगर बात करें, मेजोरिटी बैंक थे प्राइवेट सेक्टर के। अब प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के अंदर जनता पैसा डालते हुए थोड़ा घबराती है, जनता को ये लगता है कि यार हमने पैसा डाल दिया, कल को अगर ये बैंक भाग गया तो हमारा पैसा तो डूब गया, है या नहीं है? तो जनता जनरली जो है थोड़ा सिक्योर चलती है, चाहे आप भी अपनी बात भी करोगे तो आप भी थोड़ा सिक्योर चलोगे, और सिक्योरिटी के तौर पे हम लोग जो है पैसा जमा कराते कहाँ? कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, डाकखाने के अंदर। तो बाद में बैंकों को ये बड़ी दिक्कत आई, बैंक वाले बोले जी जनता हम पे विश्वास ही नहीं करती है, क्योंकि जनता पैसा देगी हमको तो ही तो हम आगे क्या करेंगे, उसको चैनलाइज करेंगे कहीं पे इफेक्टिव जगह पे। हमको पैसा ही नहीं मिलेगा तो हम लगाएंगे क्या? लोन कहाँ से देंगे? लोन तो हम तभी देते हैं ना जब हमारे पास पैसा आता है, लोग हमारे पास में डिपॉजिट करें पैसा, तो जाके उसको हम आगे एडवांस के तौर पर देंगे। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम देंगे क्या आगे? तो फिर गवर्नमेंट को समझ में आया कि भाई ये तो बड़े पंगे हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट बोली ठीक है चिंता ना करो हम कुछ करते हैं। और फिर सेंटर जो हमारी सेंटर गवर्नमेंट थी और उसके अंदर जो हमारी PM थी, PM इंदिरा गांधी, उसने 1969 के अंदर एक फेज चलाया, उस फेज को बोलते हैं हम लोग नेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं? नेशनलाइजेशन, वो पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पे कुछ बातें बता रखी हैं क्या कि फर्स्ट फेज में ये सब हुआ। द फर्स्ट फेज द ग्रोथ जो थी वो बहुत ही क्या थी? स्लो थी, एंड बैंक ऑल्सो एक्सपीरियंस पीरियोडिक फेलियर, ठीक है, तो बैंक जो है वो फेल हो रहे थे। इसके बाद में फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया ये देखो,
फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, फेज नंबर टू चलाया, और फेज नंबर टू के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑन 19 जुलाई 1969 मेजर प्रोसेस ऑफ द नेशनलाइजेशन वॉज कैरी आउट, इट वॉज द एफर्ट ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर, किसका, मिसेज इंदिरा गांधी। 14 मेजर कमर्शियल बैंक इन द कंट्री वॉज नेशनलाइज्ड, क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। फेज वन तक हमने देख लिया, अभी बैंक आ तो गए लेकिन बैंकों बैंक जनरली फेल हो रहे हैं, बैंक जो है वो कामयाब नहीं हो रहे हैं ज्यादा। क्यों ऐसा, क्यों, उसके पीछे का रीजन ये था कि सर बैंक जो है वो बेसिकली फेल इसलिए हो रहे थे, उसके पीछे का रीजन मेन ये था कि बैंक थे प्राइवेट सेक्टर के, और प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के अंदर लोग ज्यादा पैसा जमा करवाते नहीं है, उनको बड़ी दिक्कत है, तो लोग बोलते हैं कि हम तो इसके अंदर पैसा जमा नहीं करवाएंगे, इसलिए बैंक बारी बारी क्या हो रहे थे, फेल हो रहे थे। तो फेलियर से बचाने के लिए और साथ में बैंकों में लोगों का विश्वास लेके आने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो इंदिरा गांधी की उस टाइम पे सरकार थी उसने क्या किया, 1969 के अंदर एक ऑर्डिनेंस पास किया और गवर्नमेंट ने बोल दिया कल से जो प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े 14 कमर्शियल बैंक्स हैं कल से वो हो जाएंगे पब्लिक सेक्टर के। मतलब सर, मतलब ये समझ नहीं आया, जो प्राइवेट सेक्टर के 14 कमर्शियल बैंक थे गवर्नमेंट ने उनको क्या कर दिया, नेशनलाइज किया, और नेशनलाइजेशन के बाद में वो जो पहले प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे वो अब क्या बन जाएंगे, पब्लिक सेक्टर के। गवर्नमेंट ने सारा स्टेक क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, मतलब मेजोरिटी स्टेक क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। 51% और मोर होल्डिंग अगर गवर्नमेंट एक्वायर कर ले तो मालिकाना हक उस बैंक का किसके पास आ जाएगा, गवर्नमेंट के पास में। तो गवर्नमेंट ने ये स्टेज चलाया, इसको बोलते हैं हम लोग नेशनलाइजेशन। और सर नेशनलाइजेशन क्यों करते हैं, लोगों का बैंकों के अंदर विश्वास बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन के फेज को क्या किया, स्टार्ट किया। आइएगा देखते हैं नेशनलाइजेशन का मतलब क्या। देखो दो चीज होती है, एक होता है प्राइवेटाइजेशन और एक होता है नेशनलाइजेशन। मैं एक बार बता दूं आपको थोड़ा सा, आओ एक बार समझो एक बार पहले क्या, एक होता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या होता है, जब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को हम प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दे, जब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाए, जब कोई गवर्नमेंट की उद्यम था, गवर्नमेंट का कोई उद्योग था, जब उसको प्राइवेट बना दे, गवर्नमेंट उसको बेच दे, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइवेटाइजेशन। और एक होता है कौन सा, नेशनलाइजेशन। क्या होता है नेशनलाइजेशन, इसमें क्या होता है, जब प्राइवेट की प्राइवेट कोई प्रॉपर्टी जब वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाए, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी जब वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बन जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं, नेशनलाइजेशन। यहां तक ओके गया जी सर। तो अगर कोई पूछे कल से, कल को कि बताइए जल्दी से बताओ कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, सर प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा सीरीज है जिसमें कई एक्टिविटी अरेंज की जाती हैं इस तरीके से कि जिसके थ्रू, प्राइवेटाइजेशन करने के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है उनको हम क्या करते हैं, प्राइवेटाइज कर देते हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को देते हैं। और अगर कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलाइजेशन, तो आप क्या बताएंगे, सर नेशनलाइजेशन एक ऐसा फेज होता है जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेशनलाइजेशन। क्या बोलेंगे, नेशनलाइजेशन। ओके जी सर। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या किया, 14 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। अब नेशनलाइजेशन है क्या, नेशनलाइजेशन इज डिफाइंड एज द गवर्नमेंट टेकिंग कंट्रोल, गवर्नमेंट जब कंट्रोल लेती है ओवर किसके ऊपर, एसेट्स के ऊपर, एंड ओवर ए कॉरपोरेशन यूजली कैसे, बाय एक्वायरिंग द मेजोरिटी, एक्वायर करके किसको, मेजोरिटी, और द होल स्टेक या सारा का सारा किसमें, कॉरपोरेशन में, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं, नेशनलाइजेशन। तो नेशनलाइजेशन बेसिकली क्या है, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, कंट्रोल ले लेती है, क्या करके, एसेट्स के ऊपर कंट्रोल ले लेती है, कैसे, एक्वायर करके किसको, मेजोरिटी या होल स्टेक को इन द कॉरपोरेशन। प्राइवेट सेक्टर की किसी बॉडी के अंदर मेजोरिटी स्टेक होल्ड करके अगर गवर्नमेंट मान लो कोई भी ऐसा का भी काम करती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं, नेशनलाइजेशन। ओके जी सर। आगे, इन 1949 ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ द आरबीआई कंट्री इंडिपेंडेंस, इंडिया सेंट्रल बैंक बोल दो आरबीआई बिकम द फर्स्ट बैंक टू बी नेशनलाइज। सबसे पहले 1 जनवरी 1949 को जो है वो पहला जो नेशनलाइज बैंक, वो कौन सा हुआ, आरबीआई, क्योंकि आरबीआई जब बना था वो प्राइवेट सेक्टर का बैंक था। अब ये पढ़ेंगे आरबीआई में, अभी के लिए बस नॉर्मल था पढ़ो। दिस वाज एन इंपॉर्टेंट मूव, ये इंपॉर्टेंट जो है गवर्नमेंट ने मूव लिया, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया, सिंस द आरबीआई वुड सून बिकम द रेगुलेटरी अथॉरिटी। तब से आरबीआई जो है वो क्या बन गया, रेगुलेटरी अथॉरिटी बन गया फॉर द बैंकिंग इन इंडिया। मोस्ट इंडियन बैंक एट दैट टाइम वाज प्राइवेटली ओन्ड। क्या बोलते हैं, जितने भी उस टाइम पे सारे बैंक थे वो जनरली क्या थे, प्राइवेटली ओन थे, बोलते प्राइवेट सेक्टर के पास उनका जो है ओनरशिप था। दस इंडियन गवर्नमेंट ने देन रिकॉग्नाइज किया द नीड टू ब्रिंग देम अंडर सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल टू बी एबल टू फाइनेंस इंडिया ग्रोइंग फाइनेंशियल नीड। तो बाद में गवर्नमेंट को लगा कि भैया इन बैंकों को बना दो क्या, गवर्नमेंट के बैंक बना देंगे तो हम जैसा बोलेंगे ये बैंक वैसे ही बिहेव करेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाले तो अपने हिसाब से चलेगा और गवर्नमेंट बैंक गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलेगा। जब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर वाले को बोलती है कि तुम ये पॉलिसी अपनाओ,
वो बोलते हैं हम क्यों सुने तुम्हारी, क्योंकि हम तुम हमारे मालिक थोड़ी हो, आ रही बात समझ में? तो गवर्नमेंट बोलती है अच्छा हमसे पंगा, तो ठीक है बेटा अब देख हम तुम्हारे बैंक को क्या बना देंगे, गवर्नमेंट का बैंक बना देंगे। और जब प्राइवेट प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी बनाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेशनलाइजेशन। ओके जी सर, तो बैंकों को नेशनलाइज क्यों किया, वाई बैंक नेशनलाइज, अगर हम इसकी बात करते तो ये क्या बोलते हैं, द नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक वॉज अ सिग्निफिकेंट मूव अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। फर्स्टली इट इंस्टिल पब्लिक कॉन्फिडेंस, एक तो इसने क्या कर दिया पब्लिक कॉन्फिडेंस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया इन द किसमें, बैंकिंग सिस्टम में, विच एनकरेज द मासेस, जो एनकरेज करेगा मासेस को, मासेस का मतलब यहाँ पे क्या, जनता को, पीपल्स को या फिर जनता को, जो जनता को क्या करेगा, एनकरेज करेगा टू सेव एंड इन्वेस्ट, कि वो क्या करे, सेव करे और इन्वेस्ट करे। इट अलाउड फॉर एलिमिनेशन, इसने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। देखो प्राइवेट सेक्टर वाला काम करेगा कहाँ पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। गवर्नमेंट का मेन, देखो प्राइवेट वाले का मेन एम होता है प्रॉफिट मोटिव, और गवर्नमेंट का मेन एम जो है वो क्या होता है, सर्विस, वो सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट का मेन एम तो क्या है, सोशल ऑब्लिगेशन है, गवर्नमेंट उसको पूरा करना चाहती है, सोशल इंटरेस्ट में काम करती है। बट प्राइवेट वाला हमेशा काम करता है किसके लिए, प्रॉफिट के लिए काम करता है, ये बात समझ में आ रही है जी सर। अब प्राइवेट वाला देखो जनरली बैंक वहां पर जाके खोलेगा, अपनी ब्रांच वहां खोलेगा जहां से उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जहां पर उसको बिजनेस ज्यादा मिलेगा। गाँव के अंदर बिजनेस ज्यादा नहीं है। अब मेजोरिटी प्राइवेट वाले अपने सारे बैंक खोलते हैं शहरों में, गांव में नहीं खोलते वो। तो गांव के अंदर अगर मानो शहरों में सब कुछ होगा, गांव में नहीं होगा, तो क्या इनइक्वालिटी कंट्री में फैल जाएगा, नहीं फैल जाएगा, फैल जाएगा। डिस्पैरिटी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। उसी इनइक्वालिटी को, उसी डिस्पैरिटी को रिमूव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, नेशनलाइजेशन किया, सारे बैंकों को प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंकों को पब्लिक बैंक बनाया। अब गवर्नमेंट जैसा बोलेगी वो उन बैंकों को वैसा काम करना पड़ेगा। तो फिर क्या किया, इट अलाउड फॉर, इसने अलाउ किया एलिमिनेशन किसका, रीजनल बायसनेस का, एंड प्रमोट द ओपनिंग ऑफ द ब्रांचेस इन द रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री एज वेल, दस स्ट्रेंथनिंग द बैंकिंग नेटवर्क बाय एलिमिनेशन ऑफ द मोनोपोली और द क्रेडिट कॉम्पिटिशन। नेशनलाइजेशन स्ट्रीमलाइन बैंकिंग प्रैक्टिस इन द कंट्री, देयर बाय डायरेक्टिंग फंड्स वेयर इट वॉज मोस्ट नेसेसरी, वहां पर पैसा दो जहां पर क्या है, जरूरी है, टूवर्ड्स द इंडस्ट्रियल एंड द सेक्टरल डेवलपमेंट एज प्लान बाय द आरबीआई एंड द इंडियन गवर्नमेंट। ओके, तो इसके लिए बैंकों को क्या किया गया, नेशनलाइजेशन किया। लेकिन नेशनलाइजेशन किया गवर्नमेंट ने एक बार नहीं, दो बार किया, एक बार किया 1969 में और एक बार किया 1980 में। अच्छा ये बताओ बड़े बड़े बैंकों को नेशनलाइज करें या छोटे छोटे को, सर छोटे छोटे को क्या नेशनलाइज करना, वो तो उनका तो वैसे धंधा नहीं है, तो उनको नेशनलाइज करके आप कर भी क्या लोगे, करना है तो बड़े बड़े बैंकों को करना ना। तो गवर्नमेंट ने दो फेज में नेशनलाइजेशन किया, वो दो कैसे कैसे थे ये देखो, एक बार किया 1969 में और एक बार किया 1980 में। 1969 के अंदर गवर्नमेंट जो नेशनलाइज किया 14 बैंक का, 14 प्राइवेट सेक्टर बैंकों को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। और 1980 में गवर्नमेंट ने क्या किया, 6 प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। ओवरऑल मिला के कितने हो गए थे, 20, कितने हो गए 20। फिर इस 20 में से ये था हमारा न्यू बैंक ऑफ इंडिया जिसको गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किया था, इसको 1993 के अंदर क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, किसमें, पीएनबी में। जब इसको पीएनबी के अंदर जो है वो क्या किया गया, मर्ज किया गया, तो पहले नेशनलाइज बैंक कितने थे, 20 कैसे, 14 प्लस में 6, और उसके बाद में नेशनलाइज कितने रह गए, एक कम हो गया, तो कितने रह गए, 19, 19 क्या रह गए थे आपके, नेशनलाइज बैंक रह गए। ओके जी सर। सर ये बड़े बड़े बैंकों का क्राइटेरिया क्या, बड़े बड़े से क्या मतलब है, 1969 में जब 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया तो वो कौन से थे, तो गवर्नमेंट ने ये बोला जो भी ऐसे बैंक है जिनके डिपॉजिट 50 करोड़ रुपए है या उससे क्या है, ज्यादा है, तो उन सभी बैंकों को क्या कर दो, नेशनलाइज कर दो। जब ये सर्च किया गया, लोग बैंकों की बैलेंस शीट उठाई, तो उनमें से 14 ऐसे बैंक थे जिनकी बैलेंस शीट के अंदर डिपॉजिट कितना दिखाया हुआ था, 50 करोड़ का। फिर जब गवर्नमेंट ने 1980 में नेशनलाइजेशन किया तो वहां पर गवर्नमेंट बोली बड़े बड़े बैंकों का, तो बड़े बड़े बैंकों का क्राइटेरिया अब 50 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया था, 200 करोड़। और गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो भी बैंक है जिनकी बैलेंस शीट में डिपॉजिट्स जो है वो कितना है, 200 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उन सबको क्या कर दो, नेशनलाइज कर दो। क्या कर दो, नेशनलाइज कर दो। तो गवर्नमेंट ने जो है वो टोटल मिला के जो है वो कितने आपके 20 बैंकों को जो है वो क्या किया, नेशनलाइज किया, जिनमें से एक बैंक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इसको दोबारा से क्या, इसको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, किसमें, पीएनबी में। कब, 1993 में इसको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो आपके जो नेशनलाइज बैंक बचे वो कितने बचे आपके, 19, कितने बचे बोलो, कितने बचे, 19 बचे। यहां तक ओके क्या जी सर। तो ये हुआ जी नेशनलाइजेशन की, गवर्नमेंट ने सेकेंड जो फेज है वो कौन सा आपका, नेशनलाइजेशन का। ओके जी सर। सर आज की कहानी क्या चल रही है, अभी फिलहाल हमने रिसेंट में सुनने में आया कि अब नेशनलाइज बैंक सिर्फ, मतलब गवर्नमेंट के बैंक सिर्फ रह जाएंगे सर अपने 12 रह जाएंगे, ये क्या सीन सुनने को मिला है, ये अभी बताते हैं। आइएगा देखो आज की सिचुएशन क्या है,
अपने को वो पढ़ना है, लेकिन उससे पहले देखना पड़ेगा 1/4/2017 से पहले क्या था। 1/4/2017 से पहले पहले जो पब्लिक सेक्टर के बैंक थे, जो गवर्नमेंट के जो बैंक थे, वो थे टोटल मिला के कितने, 27। कितने बैंक थे, 27। ठीक है, 27 में से क्या था, 19 तो थे नेशनलाइज्ड। क्या थे, नेशनलाइज्ड। ओके, 6 क्या थे, एक तो एसबीआई था और 5 उसकी एसोसिएट थी। सर आपने तो 7 बताई। अरे भाई मेरे, 7 थी, 7 में से 2 स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, उनको एसबीआई में मर्ज कर दिया, तो रह गई थी कितनी, 5। उन 5 को भी मर्ज किया एसबीआई में, लेकिन वो कब किया, 1/4/2017 को। लेकिन हम कौन सी कहानी पढ़ रहे हैं, 1/4/2017 से पहले की कहानी। तो मैंने लिखा अर्लियर, बिफोर 1/4/2017 क्या था। तो 1/4/2017 से पहले टोटल जो आपके पीएसबी थे, पब्लिक सेक्टर के जो बैंक थे, वो कितने थे आपके, 27 में से 19 तो क्या थे, नेशनलाइज से, 6 क्या थे, एसबीआई, उसकी 5 एसोसिएट और 2 क्या थे, आईडीबीआई, और एक था कौन सा, भारतीय महिला बैंक। ठीक है, ये था। इसके बाद में क्या किया, 1/4/2017 को इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, एसबीआई को, एसबीआई और उसके अंदर उसकी 5 एसोसिएट को जो है वो क्या कर दिया, मर्ज कर दिया अलोंग विद द भारतीय महिला बैंक, कर दिया। जी सर, करने के बाद अब ये तो सेम ही है, 19 के 19 ही रहे। यहां पे एसबीआई जो पहले कितने थे, 6 था एसबीआई, उसकी 5 एसोसिएट, वो कितनी होगी, 1 रह गई, और यहां पे आईडीबीआई रह गया, और बीएमबी को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, तो यहां ओनली क्या रह गया, 1 ही रह गया, कौन सा, आईडीबीआई। ये बात समझ में आ रही है। जी सर, इसके बाद भी गवर्नमेंट को रास नहीं आया। अब ये 21 रह गए थे अपने पब्लिक सेक्टर के बैंक जो रह गए थे, वो कितने रह गए थे, 1/4/2017 को 21। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, 21 जनवरी 2019 को, 21 जैन 2019 को आईडीबीआई जो था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है अपने इंडिया का अपेक्स बैंक है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, तो आईडीबीआई का मेजोरिटी शेयर जो है वो ले लिया किसने, एलआईसी ने। किसने ले लिया, एलआईसी, मतलब गवर्नमेंट के हाथ से तो वो बैंक चला गया। तो बाद में क्या किया, आरबीआई ने उसका नाम 14 मार्च 2019 को आईडीबीआई को किस नाम से पुकार दिया, प्राइवेट सेक्टर बैंक, क्या बना दिया। तो अब यहां पे 21 जनवरी 2019 को जो है बैंक रह गए ओनली पब्लिक सेक्टर के कितने, 20 में कैसे, 19 तो आपके नेशनलाइज और एक था कौन सा आपका, एसबीआई। बात समझ में आ रही है क्या, बोलो। जी सर, हल्का सा टेक्निकल है लेकिन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एक बार मैं दोबारा से बता दूं आपको, ये देखो अर्लियर की कहानी क्या थी, अर्लियर की कहानी ये थी कि बिफोर 1/4/2017 से पहले हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक थे कितने, 27 में से 19 तो नेशनलाइज थे, 6 थी एसबीआई उसकी 5 एसोसिएट और 2 थे आईडीबीआई और एक कौन सा, भारतीय महिला बैंक। बाद में क्या किया, ये 19 तो सेम ही रहे, लेकिन 1/4/2017 को एसबीआई में उसकी 5 एसोसिएट को अलोंग विद बीएमबी को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद में जो है फिर कहानी क्या हुई कि अब पब्लिक सेक्टर के बैंक रह गए 21 में से 19 नेशनलाइज, एक आपका एसबीआई और एक कौन सा, आईडीबीआई। ठीक है सर, इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में 21 जनवरी 2019 को आईडीबीआई का मेजोरिटी स्टेक ले लिया किसने, एलआईसी ने, और जो आईडीबीआई का स्टेक एलआईसी ने लिया, पहले आईडीबीआई पब्लिक सेक्टर का बैंक था लेकिन बाद में वो क्या बन गया, प्राइवेट सेक्टर का बैंक बन गया। ठीक है, तो अब रहेगी कितने, 20 रह गए। फिर अप्रैल 2019 में गवर्नमेंट ने क्या किया, विजया बैंक को और देना बैंक को, एक है अपना कौन सा, विजया बैंक, और एक है कौन सा, देना बैंक, इनको क्या किया, मर्ज किया। क्या कर दिया, मर्ज, किसके साथ में, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो थे कितने भाई, 19, क्या थे, 19 से ना नेशनलाइज, 19 में से अब कितने रह गए, 17 और एक कौन सा, एसबीआई, तो टोटल मिला के कितने, 18 रह गए। पब्लिक सेक्टर बैंक कितने रह गए, 18। तो विजया बैंक को और देना बैंक, ये दो थे पहले 19 से नेशनलाइज, 19 में से ये दोनों बैंकों को मर्ज कर दिया बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो ओवरऑल मिला करके 19 से उनका स्टेक कम हो गया, कितना हो गया, 17। अब कितने, 17, और एक अलग से चल रहा है कौन सा, एसबीआई। एसबीआई भी नेशनलाइज बैंक है, लेकिन आरबीआई जब नेशनलाइज बैंक की, जब पब्लिक सेक्टर बैंक की कैटेगरी बनाता है, तो आरबीआई क्या करता है, 19 बैंकों को अलग दिखाता है और एसबीआई को अलग दिखाता है। हालांकि एसबीआई भी गवर्नमेंट का बैंक है और एसबीआई भी नेशनलाइज बैंक है, लेकिन आरबीआई जो है वो क्या करता है, इसको अलग से शो करता है। ठीक है ना, तो अब रह गए 18। अब इसके बाद में क्या हुआ, 30 अगस्त 2019 को हमारी जो फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी जो हैं, तो पहले तो थे अरुण जेटली, लेकिन उनका वो एक्सपायर हो गए, तो अब इनकी जगह पे कौन, हमारे जो निर्मला सीतारमन जी हैं, तो पहले कॉमर्स मिनिस्टर थी, बाद में ये रक्षा मंत्री भी रहे, फिर उसके बाद में ये आगे इनको फाइनेंस का दे दिया। ठीक है, तो हमारी जो फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं, इन्होंने क्या किया, ये बोले कि हम मर्जर करेंगे।
छह बैंकों को, छह पब्लिक सेक्टर के बैंकों को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, किसमें, चार बेटर परफॉर्मिंग एंकर बैंक्स में, जो बढ़िया तरीके से काम करें ना उन बैंकों के अंदर हम इनको क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। और सब्सिक्वेंटली क्या किया गया, ये जो नंबर था किसका, पीएसबी का, पब्लिक सेक्टर बैंकों का जो नंबर था, इसको रिड्यूस कर दिया, कितने, 11, कितना, 11+1, पहले था कितना बोलो, पहले था सर 17+1 था, और अब कितना, 11+1, कब से, 27 से, 27 से, 27 से कितना हो जाएगा अब ये 12, 27 से कितना हो जाएगा 12, बात समझ में आ रही है क्या जी। सर ये मर्जर कब से हो गया क्या, अरे होना है, अभी होना है, तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम क्या करेंगे, जो नया अमलगमेशन का जो स्कीम है ये इफेक्टिव कब से होगा, 1/4/2020 से, ऐसा नहीं है कि एकदम मर्जर हो जाए, क्यों, क्योंकि बैंकों को भी सारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, टाइम दे दिया, और गवर्नमेंट ने 30 अगस्त को अनाउंस किया, और फिर 1/4/2020 को गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 1/4/2020 को ये जो अमलगमेशन है ये इफेक्टिव हो जाएगा। आ रही है बस समझ में जी सर। तो कितने, छह पब्लिक सेक्टर के बैंकों को चार बेटर परफॉर्मिंग बैंकों में क्या किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा। अब किस किस को किया जाएगा, तो मैं वो बता दूं आपको, ये देखो एक बार, कैनरा बैंक जो है अपना, उसके अंदर किसको, सिंडिकेट को मर्ज किया जाएगा। इंडियन बैंक के अंदर अलाहाबाद बैंक को मर्ज किया जाएगा। पीएनबी में ओबीसी को और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया जाएगा। और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को क्या किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा। तो ये है आपके मर्जर की कहानी, बात समझ में आ रही है क्या, बोलो जी सर। तो ये है कुछ कहानी ऐसी, मैं एक बार आपको दिखाऊं, ये देखो पहले की कहानी आपको मैंने बता दिया, पहले क्या था, 1/4/2017 से पहले 27 पीएसबी थे, जिसमें 19 नेशनलाइज से, 6 एसबीआई उसकी 5 एसोसिएट, और साथ में 2 आईडीबीआई और एक भारतीय महिला बैंक अलग से इनको शो किया गया था। इसके बाद में फिर क्या हुआ, 1/4/2017 को एसबीआई में उसकी 5 एसोसिएट और भारतीय महिला बैंक को मर्ज कर दिया। फिर जाएगी कितने, 21 में 19 नेशनलाइज, 1 एसबीआई और एक कौन सा, आईडीबीआई। फिर 21 जनवरी 2019 को क्या किया गया, आईडीबीआई का मेजोरिटी जो शेयर था वो एक्वायर कर लिया किसने, एलआईसी ने, ठीक है। और उसके बाद में क्या किया गया, आरबीआई ने जो है वो क्या किया, 14 मार्च 2019 को आईडीबीआई को जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक की कैटेगरी में क्या कर दिया, डाल दिया। फिर अप्रैल 2019 के अंदर विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज कर दिया किसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो ये 19 की जगह कितने रह गए, 17, और एक था अपना एसबीआई, टोटल मिला के कितने, 18, ठीक है सर। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में 30 अगस्त 2019 को हमारी फिनांस मिनिस्ट्री ने ये बोल दिया है कि 6 बैंकों का मर्जर किया जाएगा, 4 बैंकों में, 4 बड़े बड़े जो बैंक है, एंकर बैंक जो है, उनके अंदर हम 6 बैंकों को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। ये मर्जर कब से कब होगा, ये 1/4/2020 से क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, बात समझ में आ रही है जी। और पहले हमारे जो टोटल पब्लिक सेक्टर के बैंक है कितने, टोटल कितने, 18 में 17 तो नेशनलाइज और एक कौन सा आपका, भारतीय महिला, ये आपका एसबीआई। तो इन 18 जो टोटल बना 17+1 का, ये अब कम होकर क्या हो जाएगा, 11+1 का, बोले तो 12 हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो ये अब किस किस को किस किस में करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा रिसेंट का तो आ सकता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना पेपर के अंदर, क्या पता पूछ ले कि 2020 के अंदर जो मर्जर हुआ है अभी, मान लो क्योंकि अपना तो जून में पेपर है, उससे पहले ये मर्जर हो जाएगा, तो क्या पता पूछ ले भी किस बैंक का किस में हुआ। तो कैनरा बैंक में किसको करेंगे, सिंडिकेट को मर्ज करेंगे। इंडियन बैंक में किसको करेंगे, अलाहाबाद को करेंगे। पीएनबी में ओबीसी को, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को करेंगे। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किसको करेंगे, आंध्रा को करेंगे और कॉरपोरेशन बैंक को करेंगे। आ रही है बात समझ में, बोलो जी सर। तो ये है जी सारी कहानी अपना सेकंड स्टेज का, हालांकि मैंने लेटेस्ट भी बता दिया आपको, ओके जी सर। और थर्ड स्टेज जो है वो हुआ 1991 में, वो सारा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म का है, उसका मैंने सेपरेट चैप्टर बना रखा है, तो वो पढ़ेंगे उस चैप्टर में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही आप ये कीजिएगा, ये बता रखा है बेसिकली क्या, इवोल्यूशन की, इंडिया में बैंकिंग का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, ओके जी सर। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो अच्छा अच्छा कमेंट भी कीजिएगा, ओके। और अगर आप नए हैं अभी तक, आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा, तो आपका प्रिपरेशन और भी बेटर हो जाएगा। दूसरा, हम लोगों ने जून 20 में जो अभी पेपर होना है उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन बैच हमने शुरू कर दिया। पहले हम ओनली कॉमर्स की कोचिंग देते थे, अब कॉमर्स के साथ में अब जो है वो हम लोग पेपर वन भी बढ़िया तरीके से हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपने बैच लेना है तो आप हमारा बैच ले सकते हैं, जिसके अंदर हम सारी वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में प्रोवाइड करवाते हैं A to Z, प्लस में रिविजन करने के लिए ऑडियो, प्लस में प्रैक्टिस करने के लिए MCQ भी हम प्रोवाइड करवाते हैं, ओके जी सर। तो जो भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप बताइएगा, ओके। नीचे हमने नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कोई इंक्वायरी अगर आपको करनी है, ठीक है जी। चलो ये हो गया अपना सेकंड लेक्चर, कल मिलते हैं हमारे थर्ड लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।
है।